हेलो दोस्तों, रेडियो बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक बेहतरीन किताब मेक योर टाइम राइट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे कैम जेकब ने लिखा है। बहुत वक्त पहले से ही लोग अपने टाइम को सही से यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। सक्सेसफुल लोग हर वक्त को सही वक्त बना लेते हैं। वो ऐसा कर पाते हैं लाइफ के सभी इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपरली यूज करके। ये कुछ ऐसा नहीं है जो ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि जो लोग टॉप पर पहुंचे हैं और नाम और शोहरत कमाई है, वो समझते हैं कि सही वक्त और बुरे वक्त जैसी कोई चीज नहीं होती है। इस बुक में ऑथर टाइम मैनेजमेंट, रूटीन, फोकस, हैबिट्स, प्रायोरिटीज और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर 6 सीक्रेट शेयर करते हैं। ये सभी वेल डिफाइंड टेक्निक्स आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज और नए रास्ते खोलेगी। आप ऐसी चीजें और एक्टिविटीज जान पाएंगे जो आपको एम्पावर करेगी और आपकी लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर देगी, जहां पर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को हर मोमेंट एंजॉय कर पाएंगे। ये बुक आपको लाइफ के सबसे बड़े टाइम वेस्टर्स ढूंढने में मदद करेगी, जो आपको सक्सेस और ग्रोथ से दूर रखे हुए है। ये गोल्डन रूल अप्लाई करके आप अनलिमिटेड ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज देख पाएंगे। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इमीडिएटली बुक को ऑर्डर करके इसको और भी डिटेल में समझें। कैम जेकब एक इंडियन ऑथर हैं। वो अपने 20 साल के करियर के दौरान कई सीनियर लीडरशिप पोजीशन पर रहे हैं। वो एक लीडरशिप कोच हैं और एक सर्टिफाइड काउंसलिंग प्रैक्टिशनर हैं। ऑथर उन लोगों की हेल्प करने को हमेशा तैयार रहते हैं जो दुनिया में कंसिस्टेंसी और यूनिटी लाना चाहते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक कर दें। हमारा चैनल YouTube के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। तो चलिए फिर इन 6 सीक्रेट्स को डिटेल में समझते हैं। फोकस, हाउ टू गेट एन अनडेटेड फोकस इन दिस डिस्ट्रैक्टिंग वर्ल्ड। इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में ना डगमगाने वाला फोकस कैसे पाएं? हमें भारी फोकस, पावर और स्ट्रेंथ को सही तरीके से यूज करने की अंडरस्टैंडिंग विकसित करने की जरूरत है। ये जानना भी क्रूशियल है कि कौन सी रियल स्ट्रेंथ और डायनेमिज्म है जो हम लाइफ में कैरी कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर चीज पर फोकस करना आपको ग्रो करने में मदद करता है। अगर हम किसी स्पेसिफिक आइटम पर फोकस नहीं करते हैं, तो कुछ भी हासिल करना लगभग इम्पॉसिबल है। लाइफ के सभी तालों को जो खोलने की मेन चाबी है, वो है फोकस। अगर किसी के पास फोकस है, तो उसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट और परसिस्टेंट के साथ सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपका फोकस दूसरे एलिमेंट, थॉट्स और पर्सपेक्टिव पर चेंज होता रहता है, तो किसी भी चीज पर डेडिकेटेड और कॉन्सेंट्रेटेड फोकस रखना बहुत मुश्किल है। अगर हम किसी सिंगल टास्क और एक्टिविटी पर फोकस कर सकते हैं, तो इसे फोकस कहा जा सकता है। इसमें इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अगर आप एक सिंगल टास्क पर फोकस करना चुनते हैं, तो उसके साथ ही आप वो चीज भी चुन रहे हैं जो आपको नहीं करनी है। और सबसे सेंसिबल चीज ये है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करें। दिमाग में बहुत सारी बातें रखकर और किसी एक चीज पर फोकस ना करके कोई इंसान खुद को नॉन अचीवमेंट का विक्टिम बना लेता है। अगर कोई इंसान मजबूती से ये डिसाइड कर लेता है कि उसको क्या एक्शन लेने हैं, तो 99% टाइम वो अपने फोकस और हार्डवर्क से उसको अचीव भी कर लेता है। हाउ टू बिल्ड अ रॉक सॉलिड फोकस। एक रॉक सॉलिड फोकस कैसे बिल्ड करें? पहली चीज जिसे हर एक को जानने की जरूरत है, वह किसी टास्क को पहचानने पर फोकस करना। खास करके तब जब कोई ये जानता है कि क्या किया जाना चाहिए, तभी वो कुछ कर सकता है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा कि क्या करना है, तो वो इस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसे ये तक नहीं पता है कि करना एक्चुअली में क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क है ये क्लैरिटी होना कि टास्क को फिनिश करने का प्रोसेस क्या है। एक इंसान जिसके पास कॉन्सेंट्रेटेड विल और फोकस्ड माइंड है, और जो बेसिक प्रिंसिपल्स और प्रोसेस पर काम करता है, अगर जल्दी नहीं तो देरी से ही सही उसको सक्सेस मिल ही जाएगी। पूरे वक्त रिजल्ट्स के बारे में सोचने से ज्यादा काम और प्रोसेस पर फोकस करना क्रूशियल है। आजकल के तेज भागते टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में ये जरूरी है कि इंसान की तरफ से आ रहे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे। चाहे एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस हो, मैसेजेस हो, ईमेल्स हो, फोन कॉल्स हो, या दूसरी बहुत सारी चीजें हों, किसी भी काम पर फोकस करने के लिए ये क्रूशियल है कि किस तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहा जाए। उनको तब तक इग्नोर किया जाए जब तक ये बहुत जरूरी ना हो। व्हाट आर द मेजर डिस्ट्रैक्शन ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं? एक घंटे का कॉन्सेंट्रेशन और फोकस के साथ किया गया काम डिस्ट्रैक्शन के माहौल में और डिस्ट्रैक्टेड माइंडसेट से किए गए काम को आउट परफॉर्म कर सकता है। एक बार डिस्ट्रैक्ट होने पर अपने कॉन्सेंट्रेशन और फोकस के सेम लेवल को वापस लाने में एक इंसान कई घंटे खो देता है। जो काम पूरे करने हैं उनकी लिस्ट बनाकर और उनको एक एक करके पूरा करना किसी भी टास्क को खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अनचाहे ब्रेक्स लेना और बेमतलब की मीटिंग्स ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमारा काफी टाइम ले लेते हैं। रैंडम टॉक्स और गॉसिप भी हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट कर देती है। अगर एक इंसान अपना माइंड सही और गलत चीजों के बीच में लगाता रहता है, तो ये उस इंसान के लिए काम को अच्छे तरीके से करने के लिए बहुत डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। रूटीन, हाउ टू बिल्ड अ रॉक सॉलिड रूटीन। एक रॉक सॉलिड रूटीन कैसे बिल्ड करें? सक्सेसफुल लोग जहां वो पहुंचना चाहते हैं, वहां पहुंचने के लिए इफेक्टिव और पर्पस मेजर के साथ हार्डवर्क करते हैं। ऊपर वाला भी उन लोगों को फेवर करता है जो लोग कॉन्फिडेंट और हार्डवर्किंग होते हैं। उन लोगों के लिए जो बैठे रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होगा। हर एक के पास उनकी अपॉर्चुनिटीज और डिजास्टर का खुद का एक सेट होता है। फिर भी कुछ लोग कई सारे ऑप्शन तलाश लेते हैं और बाकी लोग डिजास्टर तलाश लेते हैं। जैसे हर इंडिविजुअल यूनिक होता है, उसी तरह से हर इंडिविजुअल के टाइम को स्पेंड और इन्वेस्ट करने का तरीका भी अलग होता है।
एक सिंगल चीज जो बाकी सारी चीजों से वैल्यूबल होती है वो है टाइम। आपके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं और कोई किस तरह से इस पूरे टाइम को यूज करता है उससे उसकी जिंदगी बनती है, फिर भी लोग इस बात को समझ नहीं पाते और अपने टाइम को वाइजली यूज नहीं कर पाते हैं। अगर एक इंसान एक डिफाइंड और डिसिप्लिन रास्ता फॉलो करता है तो वो लाइफ में बहुत जल्दी चीजें अचीव कर सकता है। स्ट्रेटजीज और एक फोकस विजन के साथ काम करना सही समझ के साथ आपकी लाइफ को डायरेक्शन भी देता है। व्हाट इज अ रूटीन? रूटीन क्या है? रेगुलरिटी, ऑपरेट, अपडेट, टास्क, आइडियोलॉजी, निगेट, एक्सपेक्टेशन। रेगुलरिटी, किसी भी चीज में रेगुलर होना जरूरी है। जब हम किसी काम पर टिके रहते हैं और उसको रेगुलरली परफॉर्म करते हैं तो ये लोगों की लाइफ की स्टेट और उसकी क्वालिटी को चेंज करने की ताकत भी रखता है। आप फोकस्ड माइंड और टारगेटेड काम के साथ लाइफ में बहुत ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। रूटीन बनाने के लिए ये सबसे जरूरी है कि चीजों में रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी बनी रहे। ऑपरेट, जो भी हमने एज अ रूटीन प्लान किया है जरूरी है कि हम उस पर ऑपरेट भी करें। अगर आप एक रूटीन बना रहे हैं और इस पर एक्शन लेने के लिए आपके पास कोई तरीका नहीं है तो ये बिल्कुल समय की बर्बादी है। अपडेट, वो लोग जो प्लान के बारे में सोचते हैं और अपने काम की लिस्ट बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, उसे फॉलो करते हैं और फिर चीजों को रिव्यू करते हैं। ऐसे लोग जिनके रिकरिंग पैटर्न प्लानिंग और रिव्यू पर बेस्ड होते हैं, एक छोटे पीरियड में वो टास्क को परफॉर्म करने का कोई ना कोई बेहतर तरीका निकाल लेते हैं। वही लोग बेहतर आइडियाज और बेहतर रिजल्ट जनरेट कर पाएंगे। टास्क, ये हमेशा अच्छा होता है कि आप एक प्री डिफाइंड, मेजरेबल और आपको ऊंचा उठाने वाले गोल के साथ जुड़े रहें और अपनी रूटीन के हिसाब से फंक्शन करें। जब आप ऐसा करते हैं तो ये सेट रूटीन प्रिस्क्राइब रिजल्ट्स के साथ मिलकर बहुत बड़े वंडर कर सकते हैं। जब किसी प्लान को एक्शन के साथ अटैच किया जाता है तो ये आपको सारे रीजन दे देता है कि आप सभी ट्रेनिंग्स पर लगे रहें और अपने रास्ते से भटके नहीं। आइडियोलॉजी, जब लोग ऐसे सिमिलर माइंडसेट के लोगों से मिलते हैं जो उनकी तरह की आइडियोलॉजीज फॉलो करते हैं तो इस तरह उन्हें और ज्यादा पावरफुल आइडियाज मिलते हैं और वो बेहतर तरीके से अपने प्लान पर रीफोकस करने के तरीके ढूंढ पाते हैं। निगेट, जिंदगी में कुछ करने के लिए हर एक के पास दिन में 24 घंटे होते हैं जिसमें वो अपना सारा काम कंप्लीट और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये भी जरूरी होता है कि ऐसा काम ढूंढा जाए जिनको नहीं किया जाना चाहिए या फिर जिनको नकार दिया जाना चाहिए या फिर जिनमें कुछ चेंज किया जाना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस, हर रूटीन जिस पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ इंटेंशनली काम किया जाता है वो एक एक्सपेक्टेशन का नतीजा होता है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन किसी रूटीन या पैटर्न से अटैच्ड है तो ये बेहतर काम करेगी और जीतेगी, क्योंकि आपको पता रहेगा किसी काम को करने के पीछे कौन से एक्सपेक्टेशंस काम कर रही हैं। एग्जीक्यूटिंग द रूटीन प्लान, रूटीन बनाने की सबसे पहली और जरूरी चीज ये है कि अपने गोल को पहचाने। जब एक बार किए जाने वाला टास्क और एक्टिविटी पहचान में आ जाए तो अगली बड़ी चीज है इसे स्ट्रक्चर, प्रैक्टिस और रूटीन के साथ जोड़ना। हर इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन सब इस रूटीन को फॉलो करे। मेथड ऐसा होना चाहिए कि इन सभी चीजों में से बेस्ट निकाल सके, टाइम बच सके, प्रोडक्टिविटी बढ़े और रिजल्ट्स दे, और साथ ही उसे करने वाले इंसान को सेटिस्फेक्शन भी दे। ट्रैक प्रोग्रेस, रूटीन को एग्जीक्यूट और फॉलो करते वक्त मेजरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। परफॉर्मेंस और इसके रिजल्ट्स को एक रेगुलर इंटरवल पर चेक करते रहना चाहिए। अगर डिजायर रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो इसको फॉलो करना चाहिए और कंटिन्यू करते रहना चाहिए। अगर वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जो आपको चाहिए थे तो ये चीज चेक करने की जरूरत है कि आपको क्या चेंज करना चाहिए, आपके बताए गए रूटीन में क्या बदलाव किए जाने चाहिए। सेलिब्रेट अकम्प्लिशमेंट, जब आपको रूटीन और हार्डवर्क के रिजल्ट्स मिलते हैं चाहे वो छोटे हों या बड़े हों तो आपको रुकना चाहिए और इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये आपको ज्यादा ऊंचाई और ज्यादा जीतने के लिए और रीजन देता है। पावरफुल मॉर्निंग रूटीन फॉर अ चेंज लाइफ। वेकअप टाइमिंग, सुबह जल्दी किसी फिक्स टाइम पर उठना और अपनी लाइफ को एक टाइम साइकिल में लाना आपकी लाइफ और रूटीन पर अच्छा खासा इम्पैक्ट डालता है। आपके आसपास के लोग पॉजिटिव एनर्जी फील करते हैं। ये इस तरह है कि आप अपनी उम्र के कोटा में कुछ और साल ऐड कर रहे हैं। इनिशियल थिंग्स वी डू इन द मॉर्निंग, अपने दिन की शुरुआत एक सही तरीके से करें। कोई रिफ्रेशिंग ड्रिंक पिएं, कुछ न्यूट्रिशियस खाएं, एक्सरसाइज करें, मेडिटेट करें और कुछ दिमाग को रिफ्रेश कर देने वाली चीजें करें। इस तरह की चीजें आपको फ्रेश और पूरे दिन एक्टिव बनाए रखती हैं। प्लानिंग द डे, मॉर्निंग में एक सही प्लान बना लेना आपके दिन के एक्शंस के लिए वंडर कर सकता है। पिछले दिन का समय और आने वाले फैक्टर्स को लेकर जब हम एक टू डू लिस्ट बनाते हैं और सारे इवेंट्स और एक्टिविटीज को कैटेगराइज करते हैं तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। स्टार्टिंग पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग, एक ऐसा रूटीन जिसमें सही एक्टिविटीज मिक्स हो और इंस्पायरिंग स्टफ हो, जैसे कोई ऑडियो सुनना हो, कोई बुक पढ़ना हो, तो ये इंसान को पूरे दिन ज्यादा कमिटेड, पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बनाए रखता है। द बेनिफिट ऑफ स्ट्रक्चर्ड रूटीन, स्ट्रक्चर्ड रूटीन के फायदे। ब्रिंग एफिशिएंसी, अपने रूटीन के साथ जैसे कोई अपनी एनर्जी बचाता है तो ये इंसान को दूसरे जरूरी टास्क और एक्टिविटीज पर फोकस करने में हेल्प करता है, ताकि वो और ज्यादा जरूरी काम कर सके और अपनी लाइफ में और अपने काम में एफिशिएंसी और ग्रोथ ला सके। स्ट्रक्चर्ड लाइफ, ऐसे लोग जिनके पास कोई रूटीन नहीं रहता है वो हमेशा फंसे हुए रहते हैं और एक अनस्ट्रक्चर्ड लाइफ जीते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग जिनके पास स्ट्रक्चर है लाइफ के एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हैं। स्ट्रांग विल पावर, एक डेडिकेटेड माइंडसेट अगर एक पहले से तय रास्ते पर रूटीन और रेगुलरिटी को फॉलो करे तो ये ज्यादा मजबूत विल पावर और डिटर्मिनेशन को गेन करने में मदद करता है। हेल्थ एंड फिटनेस लेवल, जो इंसान एक फिटनेस रूटीन में इनरोल करता है उसका माइंड भी उसकी फिट रहने और टोन फिजिक की लिबर्टी को एंजॉय करता है। एक फिट बॉडी एनर्जी के एक ऐसे पावर हाउस की तरह होती है जो सारे एक्शंस और काम को एफिशिएंटली कर पाती है।
एक हेल्दी इंसान के पास हमेशा एक अच्छा कॉन्फिडेंस होता है और इस वजह से वैसे इंसान के कंपेयर में कहीं ज्यादा अच्छा कर जाता है जो फिटनेस पर काम नहीं करते हैं और आउट ऑफ शेप होकर एक मीडियोकर और परेशानी वाली लाइफ जी रहे हैं। बेटर रिलेशन एंड कनेक्शन, सोच समझ कर बनाई गई हैबिट्स एंड रूटीन हमें बेहतर रिलेशनशिप और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बेहतर लिंक बनाने में भी हेल्प करती हैं। हैबिट्स को लाइफ की ऑक्सीजन की तरह माना जा सकता है। ऑक्सीजन ना मिले तो हमारे लिए सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। अगर एक इंसान अच्छी हैबिट्स डेवलप नहीं करता है तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने और सफलता पाने में बहुत मुश्किलें खड़ी कर देता है। पैटर्न्स लाइफ के वो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं जो आपको बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। अच्छी हैबिट्स हैं तो आप इसका फायदा उठा लेंगे, अगर आपके पास बुरी हैबिट्स हैं तो आपको इसके नतीजे भी भुगतने पड़ेंगे। हैबिट्स हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। हम कई कामों को डेली बेसिस पर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली करते हैं। हैबिट पैटर्न किसी पर्टिकुलर टास्क को रेगुलर रिपीट करके हमारे ब्रेन को एनर्जी सेव करने में मदद करता है। हमारा माइंड अच्छी और बुरी हैबिट में फर्क नहीं कर पाता है, लेकिन एक बार हैबिट फॉर्म हो जाती है तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। हाउ टू डेवलप गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें कैसे बनाएं। हमारी लाइफ उन कामों का टोटल होती है जो हम डेली करते हैं। जो हम डेली करते हैं वो हमारी हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। छोटे डेली एक्शंस और एक्टिविटी धीरे धीरे चलकर हमारी डेली लाइफ की हैबिट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। जाने में या अनजाने में आधे से ज्यादा हमारी एक्टिविटीज रिपीटेटिव होती हैं और हम उनको रेगुलर बेसिस पर करते जाते हैं। अगर सही से चुनी जाए तो अच्छी आदतें किसी इंसान को सक्सेसफुल पोजीशन पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर इंसान गलत अप्रोच के साथ गलत आदत चुन लेता है तो ये उसके ग्रो करने और आगे बढ़ने के रास्ते में बहुत मुश्किलें खड़ी कर देती है। मेकिंग अ डिसीजन, हैबिट्स को चेंज करने के लिए इंसान को चाहिए कि वो पहले तय करे कि वो क्या चाहते हैं। जब तक वो ये डिसाइड नहीं करते कुछ भी नहीं बदलेगा। एक बार के लिए माना कि वो ओवरवेट है और वो डिसाइड करता है कि उसको अपनी हैबिट चेंज करनी है ताकि उसका वजन कम हो सके, और सीरियसली लेने पर एक डिसीजन किसी इंसान की पूरी लाइफ बदल सकता है। इसलिए किसी हैबिट को चेंज करने के लिए सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप डिसाइड करें फिर स्टार्ट करें, बाकी सब होता जाएगा। स्टिकिंग टू द डिसीजन, एक हैबिट को डेवलप होने में टाइम लगता है और हैबिट को बिल्ड करने के लिए लगातार और रेगुलर एक्ट करने की जरूरत होती है। एक बार कोई पैटर्न फॉर्म हो जाता है और इसे सीख लिया जाता है तो ये ऑटो पायलट मोड पर काम करना शुरू कर देता है। पर उससे पहले संतान को जरूरत है कि वो डिसीजन पर चिपका रहे और रेगुलर बेसिस पर एक डायरेक्शन की तरफ लगातार मूव करता जाए। स्टार्टिंग स्मॉल, छोटे से शुरू करके कोई इंसान हैबिट से रिलेटेड नॉलेज को गेन कर पाता है जिसे वो डेवलप करना चाहता है। एक छोटी एक्टिविटी पैटर्न को चेंज कर सकती है अगर रेगुलर बेसिस पर की जाए और धीरे धीरे ये आपके अंदर रम जाती है। डिक्लेयर एंड इन्वॉल्व अदर्स, एक बार जब आप कुछ अच्छा डिक्लेयर कर देते हैं और लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं तब लोगों को ये पता चलता है कि आप कुछ कर सकते हैं और इससे पॉजिटिव लूप ऑफ रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। यह हैबिट को फॉर्म करने के प्रोसेस को भी हेल्दी बनाता है। यह हमारे लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट और सराउंडिंग बनाने में हेल्प करता है जो हमारे प्लान और एक्शंस को बहुत ग्रो करने में हेल्प करे। डोंट लूज ट्रैक, हैबिट को डेवलप करना आसान नहीं होता। इसमें लाइफस्टाइल का कम्प्लीटली चेंज होना और कैसे परफॉर्म करते हैं वो चेंज होना शामिल है। हैबिट को बनाते समय कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब आप प्लान से चिपके हुए नहीं रहते हैं, प्रोसेस को सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं जैसा कि आपको करना चाहिए था। ऐसे मोमेंट पर यह जरूरी है कि आप एक चीज को एक बार मिलें और अपने ट्रैक से भटके नहीं और इसे पूरा करके ही दम लें। इस कंसिस्टेंसी हैबिट और स्किल, कंसिस्टेंसी हैबिट है या स्किल है? आसान शब्दों में कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब है छोटी छोटी चीजों को रोज करना। लेकिन दुखद बात यह है कि 5% लोग भी कंसिस्टेंसी पर स्टिक नहीं कर पाते हैं, उन एक्टिविटीज और डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं जो उनके उनके गोल तक लेकर जाती है। कंसिस्टेंसी के रास्ते में एक इंसान सारे ऑब्स्टेकल और हर्डल को ओवरकम करता है जो उसके लिए रास्ते में आते हैं और जो उसके सबकॉन्शियस माइंड से अटैच हो जाते हैं। इसलिए कंसिस्टेंसी को एक ऐसा स्किल माना जा सकता है जिसको डेवलप किया जा सकता है और लगातार हार्डवर्क और इसे एक आदत में बदलकर जिंदगी में उतारा जा सकता है। टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, हर कोई इस दुनिया में चाहे अमीर हो या गरीब उसके पास एक स्पेशल तरह का बैंक अकाउंट होता है और ये एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो इसका इस्तेमाल कैसे करता है। लोग जो इसका यूज नहीं करते और इसको वेस्ट कर देते हैं लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो खो जाते हैं और हमेशा दूसरों पर डिपेंड करते हैं क्योंकि वो कभी ऊपर वाले के दिए गए डिपॉजिट्स की पावर को नहीं पहचान पाते हैं। टाइम को खो देना पैसे खो देने जैसा है, शायद उससे भी ज्यादा। आप खोए हुए पैसों को वापस पा सकते हैं लेकिन एक बार जब वक्त चला गया तो चला गया, आप इसे फिर से नहीं पा सकते हैं। हर किसी को टाइम स्पेंड करने और इसको सही जगह पर लगाने को लेकर बहुत केयरफुल रहना चाहिए ताकि बिना सोची समझी और अनप्लान चीजों के चक्कर में टाइम वेस्ट ना हो। टाइम लाइफ का सबसे वैल्यूएबल और प्रीशियस एलिमेंट है। कोई भी जिसने टाइम को कंट्रोल और मैनेज करने की आर्ट को मास्टर किया है उसने आधी लड़ाई जीत ली है। व्हाट आर द टाइम किलर्स ऑफ अ लाइफ, लाइफ के टाइम किलर्स क्या हैं? पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो टाइम मैनेजमेंट में है वो है लीकेज को पहचानना। एक बार लीकेज पहचानने में आ जाए तो एक एक करके नए नए स्किल्स और टेक्निक्स लगाकर आप उन लीकेजेस को ओवरकम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्हें कैसे ढूंढा जाए। उन हैबिट्स और एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना जो आपके टाइम को एक बुलेट की तरह निकाल देते हैं और आपको अनप्रोडक्टिव बना देते हैं। ये टाइम किलर्स आपका जाने या अनजाने में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। लैक ऑफ प्लानिंग, सबसे बड़े टाइम किलर में से एक है हमारे टास्क और एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में प्लानिंग की कमी।
जो कोई भी किसी जॉब या एक्शन को बिना सोचे समझे या बिना प्लानिंग के करता है वो बाद में पछताता है और फिर आगे का काम करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देता है। ओवर प्लानिंग, बिना एक्शन के आप चाहे कितनी प्लानिंग कर लें उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी आदत वाले लोग प्लानिंग पर कई दिन बिता देते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट की जब बात आती है तो वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन, इसका मतलब होता है बेवजह चीजों पर अटके रहना और कुछ नहीं करना। टाइम के सबसे बड़े किलर में से एक है प्रोक्रास्टिनेशन, काम को डिले करना बिना किसी रीजन के। कोई भी जिसको ये प्रोक्रास्टिनेशन की बीमारी लग चुकी है वो अपनी टाइमलाइन में और अपनी डेडलाइन से पहले किसी भी एक्टिविटी में कुछ अचीव नहीं कर सकता है। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जब भी आप एक टास्क से दूसरे और फिर उससे पिछले वाले पर डाइवर्ट होते रहते हैं काम को फिर से शुरू करने या रिज्यूम करने के लिए, ये आपकी बहुत सारी एनर्जी और माइंड शेयर कंज्यूम करता है। कोई भी काम जिसे अनडिवाइडेड और फोकस कॉन्सेंट्रेशन के साथ किया जाता है वो उस काम से काफी कम वक्त लेगा जिसे बिना प्रॉपर अटेंशन के किया जाता है। हाउ टू किल द टाइम किलर्स, टाइम किलर्स को कैसे दूर करें? एक जरूरी चीज काम और टाइम के बारे में ये है कि कई बार सोचने में उस काम को करने से भी ज्यादा वक्त लग जाता है, लेकिन बहुत से लोग फिर भी अपने काम पर बैठे रहने की आदत को छोड़ नहीं पाते। ऐसे लोग जो हर रोज एक टास्क लिस्ट क्रिएट करना सीख लेते हैं और टास्क को इम्पोर्टेंस के हिसाब से कैटेगराइज करके टाइम एलोकेट करते हैं, वो उन लोगों से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं जो लिस्ट बनाकर काम नहीं करते हैं। लिस्ट बनाने से आप जरूरी चीजों को भूल जाने से भी बच जाते हैं। प्रायोरिटीज बदलती रहती हैं, वो दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा स्पीड से बदलती है। हर इवेंट, हर एक्टिविटी और जो भी काम हम करते हैं वो उन प्रायोरिटीज का रिजल्ट होता है जो हमने अपने लिए और दूसरों के लिए सेट की है। प्रायोरिटीज हमारी लाइफ को फेलियर और सक्सेस की तरफ ले जाती हैं। अगर कोई चीज को ठीक से प्रायोरिटाइज करता है ये उनको वो टास्क कंप्लीट करने में मदद करेगा जिससे बेहतर रिजल्ट हासिल किए जा सकते हैं। हाई वैल्यू टास्क वर्सेज लो वैल्यू टास्क, अगर एक इंसान हाई वैल्यू टास्क को प्रायोरिटाइज करना सीख लेता है बजाय लो वैल्यू टास्क को प्रायोरिटाइज करने पर, तो ये एक ब्लेसिंग की तरह हो सकता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा दोनों इंसानों की प्रोडक्टिविटी में जो लो वैल्यू टास्क और हाई वैल्यू टास्क को कर रहे हैं। एक इंसान को सबसे क्रिटिकल फंक्शन को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है ताकि इंपॉर्टेंट टास्क कभी अर्जेंट टास्क की कैटेगरी में ना जाए। ऐसे टास्क जो अर्जेंट टास्क की कैटेगरी में आ जाते हैं उनको हमेशा पहले प्रायोरिटाइज करें ताकि वो अनअटेंडेड ना चले जाएं। वर्क वर्सेस फन, काम और फन दोनों की लाइफ में अपनी इंपॉर्टेंस है। सक्सेसफुल लोग हमेशा काम को फन और एंटरटेनमेंट के ऊपर प्रायोरिटी देते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो लाइफ को एंजॉय नहीं करते या फन नहीं करते, लेकिन जब भी वो खुद को ऐसे सिचुएशन में पाते हैं जहाँ किसी टास्क को कंप्लीट किया जाना बहुत जरूरी है तो वो उस काम को पूरा करना चुनते हैं, उसके बाद फन एक्टिविटी करते हैं। इस तरह से लोग काम को लेकर सभी तरह की एंजाइटी से भी दूर रहते हैं। हाउ टू सेट एंड फॉलो प्रायोरिटी, प्रायोरिटी कैसे सेट और फॉलो करें? मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट, प्रायोरिटीज की लिस्ट होना आपको उन काम का एक बहुत क्लोज लुक दे देता है जिन्हें किया जाना चाहिए। ये चीजों को एक झलक में देखने में मदद करता है और लाइफ को एक इफेक्टिव वे में जीने में हेल्प करता है। कैटेगराइजिंग एंड शफलिंग बिटवीन नेसेसरी एंड नॉन नेसेसरी टास्क, हर एक इंसान ये जानता है कि किस सिचुएशन के हिसाब से कौन सी चीज को किस हिसाब से किया जाना चाहिए। अगर किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए इमीडिएट एक्शन की जरूरत है तो उसके हिसाब से सीक्वेंस क्विकली चेंज किया जा सकता है, बाकी सब सेम रहेगा। टाइम बाउंड, हर टास्क और इसके कंप्लीशन की टाइमलाइन एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज के हिसाब से डिफाइन होनी चाहिए ताकि सभी चीजों को अच्छे से एक्सक्यूट किया जा सके। रिव्यू द लिस्ट, हमें हमारे प्रायोरिटीज को सेट करने के पैटर्न्स, फॉर्मेट और स्टाइल को बार बार रिव्यू करते रहना चाहिए ताकि ऑब्जर्वेशन और सजेशन के थ्रू हम ये देख सके कि कहीं कोई चेंज की जरूरत तो नहीं है। प्रायोरिटीज को सेट करना और उनको फॉलो करना लोगों को ज्यादा फोकस्ड और टास्क ओरिएंटेड रहने में मदद करता है। इनकम, हाउ टू बी फ्री फ्रॉम थिंकिंग ऑफ इनकम ऑल द टाइम, हर समय पैसे के बारे में सोचने से कैसे बच सकते हैं? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक ऐसी स्टेट है जहां पर किसी इंसान के पास इतनी इनकम होती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी पर बिना किसी के लिए काम किए या किसी पर डिपेंड हुए अपनी डेली के लिविंग एक्सपेंस मेंटेन कर सकता है। पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम है जिसके लिए किसी को अपना टाइम देने की या डेली काम करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये आती है हमारे शुरू में किए गए काम से या फिर उनसे जो इन्वेस्टमेंट हमने एसेट्स में की है। अगर इंसान की पैसिव इनकम उसके लिविंग एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाती है तो उसको एज अ फाइनेंशियल फ्रीडम स्टेटस कंसीडर किया जाता है। उस स्टेट पर पहुंचने के लिए या उस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। कीपिंग चेक ऑन लिविंग एक्सपेंसेस, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने की राह में सबसे पहला कदम है। पैसे बचाना भी पैसे कमाने जैसा ही है। बेवजह के खर्चे को कट करना आपको फाइनेंशियल गोल और फ्रीडम तक पहुंचने में अच्छी खासी हेल्प कर सकता है। नो द पावर ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड कंपाउंडिंग, सेविंग और इन्वेस्टमेंट लाइफ के बहुत जरूरी पार्ट है। अगर एक इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहता है तो ये बहुत जरूरी है कि वो अपनी इनकम को मल्टीपल सोर्सेज में इन्वेस्ट करे। जो पैसों को बिना सोचे समझे खर्च करता रहता है और सेविंग के लिए कोई पर्पस नहीं रखता है तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में मुश्किल बना लेता है। जिस इंसान के पास लॉन्ग टर्म व्यू है उसके पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट की एक प्लान अप्रोच होगी, उसके पास उसके फंड्स को एलोकेट करने के लिए एक प्रॉपर सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान होगा। एडिशनल इनकम सोर्स, असली खजाना नई इनकम जनरेट करने में है, एक्टिव और पैसिव दोनों तरह से कमाने में है। ये कुछ भी हो सकता है, किसी हॉबी या स्किल को पैसा बनाने के लिए यूज करना या कोई प्लान साइड हासिल।
ऐसे कई रास्ते हैं जिनसे आप अपनी एग्जिस्टिंग इनकम में और ज़्यादा इनकम जोड़ सकते हैं। वट इज़ द ब्लू प्रिंट ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का ब्लू प्रिंट क्या है? नो एंड कैलकुलेट योर एनुअल स्पेंडिंग। हमारे पास उन सभी फिक्स और वेरिएबल एक्सपेंस की लिस्ट होनी चाहिए जो हम पूरे साल में करते हैं। यह आपको खर्चे के साथ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल को सेट करने में मदद करता है। अगर हमें पता चल जाए कि हमें अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में कितना पैसा लगता है, तो ये हमें उसके अकॉर्डिंग प्लान करने में मदद करता है। नो एंड कैलकुलेट द एनुअल इनकम लेवल। जितना जरूरी आपके एक्सपेंसेस को जानना है, उसी तरह आपके अपने इनकम लेवल्स को भी जानना जरूरी है। सभी सोर्सेज की टोटल इनकम और नेट पेमेंट्स के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई इंसान ग्रॉस रेवेन्यू तो कैलकुलेट कर लेता है, पर टैक्स और दूसरे खर्चे ऐड करना भूल जाता है। स्टडी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। जब हम हार्डवर्क की बात करते हैं, तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारा पैसा भी हमारे लिए उतना ही हार्डवर्क करे। आज की दुनिया में हजार इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और हर ऑप्शन के अपने फायदे और नुकसान भी हैं। इनको अच्छी तरह स्टडी किया जाना चाहिए। हैबिट एंड लाइफस्टाइल टू रीच फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने के लिए हैबिट्स और लाइफस्टाइल, सेट इट एज अ डिफाइंड गोल एंड प्लान। एक कैजुअल थिंकिंग में और एक फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए गोल सेट करने की थिंकिंग में बहुत फर्क होता है। लोग जो उस लेवल पर पहुंचते हैं, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को एक गोल की तरह रखते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। हेल्दी फाइनेंशियल हैबिट्स। ये क्रूशियल है कि हम अट्रैक्टिव एड्स के जाल में ना फंसे और हमारे मुश्किल से कमाए हुए पैसों को पानी की तरह ना बहने दें। हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हम ऐसे जाल में ना फंसे जो खुद के लिए हमारे पैसों से पैसा बनाता है। अगर हम इस जाल में फंसते हैं, तो उनके इस बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्जेस वाले डे टू डे डेब्ट के स्ट्रक्चर से बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। मॉर्गेज फ्री लाइफ। सभी तरह के लोन्स आज आपसे सिर्फ एक फोन कॉल दूर है। हर किसी के पास लोन्स के लिए कंपनीज के बहुत सारे कॉल आते हैं। वो लोगों को किसी तरह सेटिस्फाई करके उन्हें लोन दे देते हैं, और लोग इनके हायर इंटरेस्ट रेट नहीं देख पाते जो उन्हें आगे या पीछे देने ही होंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल। ये फाइनेंशियल गोल से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं लगता, लेकिन ये एक डिसाइडिंग एलिमेंट है। अगर एक इंसान हेल्दी लाइफस्टाइल और अच्छी हेल्थ बनाए रखता है, तो वो तेजी से ग्रो करेगा और उसके मेडिकल पर होने वाले खर्चे भी कम होंगे। सो हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और अपनी लाइफस्टाइल को बराबर देखते रहना चाहिए। हार्डवर्क, डेडिकेशन और प्लानिंग के साथ एक अबंडेंस से भरी लाइफ जीनी चाहिए। ये सब आपकी लाइफ को लेकर आपके विजन पर डिपेंड करता है। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने इस वीडियो में बुक के मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर किया है, पर इस बुक में इतनी छोटी छोटी बारीकियां दी हुई हैं कि उन्हें बुक से ही पढ़ा जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो इस बुक को इमीडिएटली ऑर्डर करके इसको और भी डिटेल में समझें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी करें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो करें। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं, तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है, तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।